राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान कांग्रेस के नेता भले ही एकजुट नजर आए, लेकिन इस यात्रा के राजस्थान से विदाई के बाद कांग्रेस नेताओं के बयानबाजियों के और सियासी लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी, पूर्व राजस्व मंत्री और भारतीय विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और आरएलपी पार्टी का बिना नाम लिए राजस्थान में तीसरी राजनीतिक पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी करार दिया। आपको बता दें, बायतो विधायक हरीश चौधरी और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दोनों एक दूसरे के राजनीति में धुर विरोधी माने जाते हैं और हनुमान बेनीवाल जब भी पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर आते हैं तो हरीश चौधरी पर जुबानी हमला करते हैं। इसके बाद हरीश चौधरी ने भी बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी बताकर हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोलकर नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। कांग्रेस बीजेपी एक तीसरी पार्टी और है, हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है, पार्टी है, पार्टी। कोई भी लेखा जोखा चाहे विधाता माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबा के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले।